हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दावत। तो गाइस, आज स्पेशल पर्सन के लिए मैं केक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो मैं उनके लिए ये चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ। आज हम लोग बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक। वैसे तो ये केक बनाने में बहुत ही आसान है, आप सब लोगों को पता ही होगा इसे किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन मैंने ये स्पेशल केक स्पेशल पर्सन के लिए किस तरह से बनाया है इसकी एक डिटेल वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं दावत चैनल पर, आप लोग इसी तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग से वीडियोस देखना चाहते हैं तो दावत चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है टिन को ग्रीस करना है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का ये एल्यूमिनियम का टिन लिया है, मोल्ड लिया है, उसे हम लोग तेल से ग्रीस कर लेते हैं। आप इसकी जगह पर चाहे तो कोई भी घर का जो स्टील का कुकर का डब्बा होता है ना, वो भी ले सकते हैं। इसका डायमीटर 6 इंच है, क्योंकि हम लोग आज हाफ के जी का केक बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तेल से ग्रीसिंग होने के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है एक छोटा सा बटर पेपर, उसे भी हम लोग तेल से ग्रीसिंग कर लेंगे। इससे हमारा केक ना जल्दी से डिमोल्ड हो जाता है, वो अंदर से टिन को नहीं चिपकेगा। चलिए इसके बाद बैटर बनाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर ये रेडीमेड चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है 150 ग्राम। तो उसमें 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो आप अगर चाहे तो ये जो केक है इसे प्रीमिक्स से नहीं बल्कि मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पर रेडीमेड प्रीमिक्स का यूज़ किया है। मैदे से बनाना है या बिस्किट से बनाना है तो उसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके हमने इस तरह से बैटर तैयार किया है। बैटर की कंसिस्टेंसी ना गाइस बहुत ज़्यादा फ्लोई या पतली नहीं होनी चाहिए, आपको ना थोड़ा सा थिक रखना है बैटर को, जैसे मेहंदी होती है ना उस तरह से, आपको उसे कहते हैं रिबिन कंसिस्टेंसी। मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ पर इस तरह से आपको बैटर तैयार करना है। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो जाता है तो आपका केक अच्छी तरह से फूलेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाएगा तो भी आपका केक अंदर से स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बैटर हमने इस टिन में डाल दिया है, ग्रीस किए हुए टिन में। अब बस हमें इस तरह से टैप टैप करना है 3 से 4 बार। और यहाँ पर ये जो कुकर है मैंने इसे 5 मिनट पहले ही गर्म कर लिया है। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी प्रीहीट करके उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुकर है इसके अंदर मैंने एक जालिया स्टैंड डाल दिया है, उसके ऊपर टिन रख दिया है। अब हम लोग इसे 30 मिनट्स तक बेक कर लेंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर पूरे 30 मिनट के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो केक है स्पॉन्ज है बढ़िया तरीके से यहाँ पर फूल चुका है। अब इसे हम लोग ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं, और तब तक हमें चाहिए होगी क्रीम। तो डेकोरेशन के लिए क्रीम हम लोग यहाँ पर व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर करीब 200 या 220 ml के करीब मैंने यहाँ पर यह जो क्रीम है ये इस बाउल में डाल दी है। इसे भी हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेते हैं। तो शुरुआत में आपको स्पीड लो रखना है, बाद में हाई करके इस तरह से स्टिप पिक्स वाली क्रीम हमने तैयार कर ली है। तो अगर बाउल उल्टा भी हो जाएगा तो भी क्रीम नहीं गिरेगी, इसका मतलब है ये परफेक्ट तरीके से तैयार है। इसके बाद केक को मॉइस्ट बनाने के लिए शुगर सिरप तैयार करना होगा। तो यहाँ पर आधा कप पानी में हमने 2-3 चम्मच चीनी डाल दी है, उसे घूलने तक अच्छी तरह से मिक्स करना है। तब तक हमारा स्पॉन्ज भी ठंडा हो गया है, इसे भी हम लोग डिमोल्ड कर लेते हैं। तो ये जो आज का प्रीमिक्स है गाइज, ये मैंने गुडरिच कंपनी का यूज़ किया है। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा केक बनता है, देख सकते हैं। ऊपर की लेयर भी मुझे नहीं लगता है कट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर हम लोग इस जो केक है इसके 3 लेयर्स कट करेंगे, या स्पॉन्ज के 3 लेयर्स में हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंदर से भी कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। आप लोग चाहे तो मैदे से भी इतना ही ज़्यादा सॉफ्ट केक बना सकते हैं गाइज, उसकी रेसिपी आपको ना नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने कई बार मैदे से केक बनाए हैं, वो भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग वो बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना प्रीमिक्स वाले केक अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो आप लोग मैदे वाला केक या बिस्किट वाला केक भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो चलिए, पहली लेयर को हमने शुगर सिरप से सोक कर लिया है। उसके बाद जो क्रीम हमने तैयार करके रखी थी वो भी हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से पैलेट की मदद से। अब यहाँ पर आज का फ्लेवर है ब्लैक फॉरेस्ट, तो इसके ऊपर जाएगा बहुत सारा चॉकलेट। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा जो गनाश है चॉकलेट गनाश वो था, तो मैंने वो भी डाल दिया है 2 चम्मच। आप चाहे तो चॉकलेट सिरप जो मिलता है वो भी डाल सकते हैं, और साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़े से चोको चिप्स भी डाल दिए हैं, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक में चॉकलेट बहुत ज़्यादा होता है, और जब केक खाते टाइम ये चोको चिप्स आते हैं ना क्रंची वाले, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। दूसरी लेयर को भी रख दिया है, उसे भी शुगर सिरप से सोक करने के बाद क्रीम की एक लेयर लगा देंगे इस तरह से। जब आपकी क्रीम परफेक्ट होती है ना गाइस, तो आपको आइसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसे आपको सबसे पहले तो अच्छी तरीके से तैयार करना है, बीट करना है।
इसके बाद फिर से जाएगा चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सिरप। उसके बाद फिर से हमने चोको चिप्स डाल दिए हैं, उसे भी हमने अंदर ही दबा दिया है क्रीम के अंदर ही। इसके बाद थर्ड या लास्ट लेयर भी रख दी है, उसे भी शुगर सिरप से सोक कर लेंगे इस तरह से। देखिएगा शुगर सिरप कभी भी गाइस, जब भी आप लोग कभी चॉकलेट केक बनाते हैं ना, कोई भी फ्लेवर हो, लेकिन स्पॉन्ज अगर चॉकलेट का है तो शुगर सिरप थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, क्योंकि ना कोकोआ पाउडर होने से ये जो स्पॉन्ज है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो अगर आपको लंबे टाइम तक या 3-4 दिनों तक, एकदम बेकरी वाले के से 6-7 दिनों तक उनका केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहता है, उस तरह से अगर केक को रखना है तो आप लोगों को शुगर सिरप की क्वांटिटी चॉकलेट केक में थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्रम कोटिंग कर ली है, इसके बाद हम लोग फाइनल आइसिंग कर रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट केक जब भी बनाते हैं थोड़े से क्रम्स निकलते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर ना हमने फाइनल आइसिंग करनी शुरू कर दी है गाइस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये फाइनल आइसिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने क्रीम यहाँ पर लगा दी है और इसे हम लोग पैलेट की मदद से इस तरह से पूरे केक को कवर कर रहे हैं। ऊपर जो भी कोई एक्स्ट्रा की क्रीम आती है उसे भी निकाल लेना है। उससे पहले मैंने यहाँ पर जिगजैग वाला कोम लिया है और साइड में डिज़ाइन भी दे दी है। ऊपर की क्रीम भी हल्के हाथ से आपको निकाल लेनी है इस तरह से। तो गाइज़, आप लोगों को कौन से केक के वीडियोज़ ज़्यादा देखने पसंद है, या आज मैंने जिस तरह से वीडियो बनाया है उस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को अगर पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलरली बहुत ज़्यादा दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे फिर से स्टार्ट करना है अच्छी तरीके से, जैसी मेरी पहली ऑडियंस थी उस तरह से। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद है, वीडियो पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है, या कौन से केक के वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कौन सी सिटी से ये केक देख रहे हैं वो भी बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने बातों बातों में थोड़ा सा जो चॉकलेट राइस या चॉकलेट वर्मिसेली बोलते हैं वो भी इसके ऊपर डाल दी है, और 2D नंबर के नूडल्स ही ना ऊपर थोड़े से फ्लावर्स बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, और नीचे भी वही डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर दी है यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर वाली। बीच में थोड़े से हम लोग ऊपर से चोको चिप्स डाल देंगे, क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो चॉकलेट सिरप है, चोको चिप्स है, वो भी ऊपर से डाल सकते हैं, उससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। लास्ट में हम लोग यहाँ पर डाल देंगे कुछ चेरीज़, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक है वो चेरीज़ के बिना तो कम्प्लीट होगा ही नहीं, तो कुछ फ्रेश चेरीज़ हमने यहाँ पर रख दी है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लैक फॉरेस्ट केक कम्प्लीट हुआ है, और जिसके लिए भी बनाया था उन्हें यही फ्लेवर पसंद है। जब भी कभी मैं उनके लिए केक बनाती हूँ तो उन्हें ब्लैक फॉरेस्ट से ज़्यादा पसंद है या चॉकलेट केक, तो उनको भी ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आपको ये केक कैसा लगा, ये वीडियो पूरा कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको हमेशा की तरह अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं इसी तरह से एक नए से वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और ये रही यहाँ पर छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन की क्लिप।